ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। आइए सत्संग प्रेमी जनों, मेरे बहन भाइयों, सत्संग की महिमा अपार है। सत्संग से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता भक्ति रस से परिपूर्ण है, प्रेम रस झलकता है भागवत गीता के प्रत्येक अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सुंदर कृपा मनुष्य के ऊपर की है कि सभी को भागवत गीता सुनने को मिले तो उनका जीवन धन्य हो जाए। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से ही संत का मिलना होता है, और संत मिल जाए और सत्संग भी प्रारंभ हो जाए तब तो कहना ही क्या है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दो। ये तुलसीदास, ये दो वस्तु संसार में बड़ी दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्त होती है, भाग्य से मिलती है। संत के दर्शन हो जाए और संत के मुख से हरि कथा भी चल पड़े तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बेसुत दारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी वैभव खजाना, बेटे पोते पड़ पोते सुंदर नारी, ये तो कहते हैं पापी की भी होती है, पापी के घर में भी होती है। सत्संग की महिमा अपार है। आइए आज के सत्संग में श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के निष्कर्ष स्वरूप में प्रवेश करते हैं। भगवान ने ध्यान योग पद्धति पूरी तरह से अर्जुन को समझा दी है, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है, पिता अपने पुत्र को समझाता है, भगवान अपने भक्त को समझाता है, ठीक वैसे ही। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठे, वो प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के जवाब शेष रहे हैं, उनमें हम प्रकाश डालते हैं। ये छठा अध्याय है ध्यान योग, 33वां अध्याय है। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो भी तुमने ये ध्यान पद्धति मुझे समझाई है सो तो ठीक है, लेकिन इसमें पूर्णता को प्राप्त कर लेना या इसमें सफल हो जाना बड़ा दुर्लभ लग रहा है, बड़ा मुश्किल काम जैसा लग रहा है। उसका कारण ये मन है,
क्योंकि इस मन की स्थिति तो बड़ी चंचल है। ये बातें भगवान ने कही, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन इतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम। जो वस्तु स्थिर मन से, वश में हुए मन से प्राप्त होनी है, वो चंचल मन से भला कैसे हो सकती है? इसलिए अर्जुन के हृदय में ये प्रश्न उठा। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि ये तो ठीक है, आपने ये पूरे विस्तार से ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे इंद्रियों को जीतना चाहिए, कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, कैसे निर्वीज सबीज समाधि प्राप्त होती है, कैसे कैवल्य समाधि तक पहुंचा जाता है, कैसे धर्म वेग समाधि तक पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया जाता है, सभी कुछ हे कृष्ण आपने विस्तार से कहा, लेकिन ये मन तो बड़ा चंचल है, इसकी अस्थिरता को देखते हुए मुझे ये बड़ा कठिन लगता है ध्यान योग पद्धति ध्यान योग मार्ग। इसी विषय में भगवान को कहा है, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदना, बड़ी सुंदरता से आपने इस योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन हे मधु नाम के राक्षस को संहार करने वाले कृष्ण, मधु और कैटभ ये ब्रह्मा की सृष्टि के प्रथम राक्षस हैं, ब्रह्मा को ही ये खाने के लिए आ गए थे पलट के, जिसने पैदा किया है उसी को खाने आ गए थे। जैसे पेपरों में पढ़ते हैं आप लोग कि बेटे ने मां और बाप को मार डाला, गोली मार दी। अभी कुछ दिन पहले ही आई है न्यूयॉर्क में ये न्यूज। फिर कभी पढ़ते हैं कि बाप ने अपने तीन बेटों को मार के अपनी भी हत्या कर ली, संशय में पुलिस स्त्री को पकड़ रही है, जेल में बंद कर रही है कि ये इसका षड्यंत्र होगा। तो ये चीजें हैं, तो असुरता जितनी धरती पर बढ़ेगी उतनी प्रकृति के खिलाफ कार्य होंगे, धर्म के खिलाफ कार्य होंगे, माता पिताओं को ही मारेंगे और क्या करेंगे, खान पान बिगड़ जाएंगे तो माता पिता को ही मारेंगे, खान पान बिगड़ता है चाल चलन बिगड़ता है। महावीर स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जैन परंपरा के अंतर्गत 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं कि संसार में 6 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। उदाहरण दिया है उन्होंने 6 व्यक्तियों से, एक 6 व्यक्ति राह में चल रहे थे, रास्ते जा रहे थे, रास्ते में उनको भूख लगी तो एक वृक्ष की छांव में बैठ गए, वृक्ष में फल भी लगे हुए थे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हम भूखे हैं, क्यों नहीं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया जाए और इसके सारे फल खा जाए। दूसरे ने कहा कि जड़ से उखाड़ने की क्या जरूरत है, यह मूर्खता करने की भला क्या आवश्यकता है, अरे इसको तने पर से काट डालो तो कम से कम जड़ उखाड़ने की तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तने पर से काट डालो और सारे फलों को खा लो। लेकिन तीसरा आदमी इससे भी सहमत नहीं हुआ, वो बोलता है कि मेरे भाइयों
तने से काटने की क्या आवश्यकता है इस वृक्ष को, कोई मोटी शाखा से स्कंद से काट डालो उतना काफी है, तो सारे फल नीचे आ जाएंगे, हम खा लेंगे। एक बड़ी शाखा को काटेंगे तो उसमें तो बहुत फल होते हैं, उतने से हम सब तृप्त हो जाएंगे। लेकिन चौथे व्यक्ति को यह भी नहीं जचा, बोले यह भी अच्छा नहीं, ठीक नहीं एक मोटी शाखा को गिरा देना। ये वृक्ष हर वर्ष फल देता है भूखे प्यासों को, एक पतली सी ऊपर की शाखा को काट ले जिसमें कई फल लगे हुए हों तो हम खा सकते हैं। नहीं, पांचवें व्यक्ति को यह भी बात नहीं पसंद आई, बोलो शाखा को क्यों काटा जाए, क्यों नहीं हम फलों को ही तोड़ के खा लें ऊपर चढ़ के, तो नहीं तो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तने से काटना पड़ेगा, नहीं कोई मोटी शाखा काटनी पड़ेगी, ना कोई पतली ब्रांच शाखा काटनी पड़ेगी और हम तृप्त भी हो जाएंगे, ऊपर चढ़ो फल खा ले। लेकिन छठे व्यक्ति को यह भी बात पसंद नहीं आई कि ठहरो ठहरो ऊपर क्यों चढ़ते हो, जब ऊपर चढ़ेंगे पेड़ में तो कोई कीड़े मकोड़े चींटे चींटियां पेड़ में चलते हैं चढ़ते हैं, पेड़ को भी तकलीफ होगी, एकदम से उसके ऊपर 6 आदमियों का लोड पड़ेगा, कोई डाले टूटेंगी बिना मतलब। एक काम करो, हम 6 यहां बैठे रहते हैं तो इसका जो जो फल पकेगा और पक के जो टूट के गिर जाएगा उसको उठा के खा लेंगे, इससे पेड़ को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, वृक्ष को कोई हानि नहीं होगी। ये वृक्ष उपकारी हैं, सदैव फल देते हैं हर वर्ष, हम इंतजार करें। तो ये 6 प्रकार की व्यक्तियों की जो धारणा है भावना है, इसको महावीर स्वामी ने 6 लेशाएं कहकर बोला, कही 6 रंगीन कपड़े पर्दे। तो पहला व्यक्ति जो जड़ से पेड़ को उखाड़ के फेंक देना चाहता था, इसकी लेशा या इसकी बुद्धि के आगे आंखों के आगे काला रंग का पर्दा लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, यह पूर्ण अंधेरे में है, यह पेड़ को जड़ से ही उखाड़ के फेंक देना चाहता है, ये इसकी असुर वृत्ति है। जैसे ब्रह्मा जी को खानी मधु और कैटब आ गए, और खानी ही नहीं, उनको जब कामवासना ने पीड़ित किया तो ब्रह्मा जी को ही पकड़ लिया उन्होंने, ये तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो मधु कैटब को मारा तो मधुसूदन नाम पड़ा भगवान श्री कृष्ण का, उस गोविंद का, गोपाल का। जो प्रथम काला पर्दा है जिसकी बुद्धि के आगे पूर्ण तमोगुण है, अंधतम में जी रहा है, वो व्यक्ति असुरी है, उसकी काली लेशा है, ब्लैक लेयर्स। तो ये जड़ से ही उखाड़ेगा पेड़ों को, ये मां बापों को भी मार देगा, दूसरे व्यक्ति जिसने कहा कि तने को काट डालें, उसकी नीले रंग की लेशिया है यानी नीला पर्दा है उसके सामने, उसकी बुद्धि के सामने, उसकी आंखों के सामने, नीले पर्दे में काले के बराबर तो नहीं लेकिन थोड़ा हल्कापन हो जाता है, दिखता अब भी नहीं है लेकिन कम से कम ज्यादा नीचे पापों में नहीं उतरता, गलतियां करता है, अपराध होते हैं, दिखता नहीं है, ज्ञान नहीं है, नीली लेशा है, नीला पर्दा है। तीसरे व्यक्ति जिसने कहा कि एक बड़ी ब्रांच को बड़ी शाखा को काट लें तो बहुत से फल नीचे गिर जाएंगे, शाखा से ही खा लेंगे, उसके सामने कपोत लेशा है,
कबूतर के रंग जैसा, स्लेटिया रंग जैसा, हल्का नीला, ये भी नीला है लेकिन हल्का नीला है। इसने कहा कि किसी ब्रांच को, छोटी ब्रांच को ही तोड़ लें, एक ही ब्रांच में तो कई फल होते हैं, उन्हीं से हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन इसको कुछ अधिक दिखता है नीचे तीन वाले लोगों से, चौथे व्यक्ति को जिसकी ताम्र लेश्य है। पांचवा व्यक्ति है जिसने कहा कि ब्रांचों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फलों को तोड़ लेते हैं हम ऊपर चढ़ के। उसकी लेशा पीत रंग की है, पीले रंग की, इसको भी दिखता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता। ये कुछ पापों से उपरत है लेकिन पूर्णतया नहीं। छठे व्यक्ति की आंखों पर जो चश्मा है वो सफेद रंग का है, इसकी लेशा शुभ्र लेशा है, धवल रंग की, सफेद रंग की। ये और सबसे श्रेष्ठ है। ये कह रहा है कि ये फल जब पक जाएगा, कोई जो जो फल पकेगा वो जमीन पे अपने आप गिरेगा, उसको खा लेंगे, तब तक हम भजन करें और यहां पर आराम करें, इंतजार करें, थोड़ी भूख ही सहन कर लें, थोड़ा दुख तकलीफ सह लें, फिर पके फल स्वादिष्ट भी होते हैं और अपने आप गिर जाएंगे तो पेड़ को भी तकलीफ नहीं होगी। हम फलों को तोड़ेंगे, उनमें कुछ कच्चे होंगे, कुछ पके होंगे, पेड़ों को तकलीफ होती है। जैसे किसी के बाल कोई पकड़ के खींचे तो तकलीफ होती है। ये बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, बड़ा दयालु श्रद्धालु है, लेकिन अभी इसकी इसकी भी आंखों के आगे पर्दा ही है, चाहे सफेद रंग का ही हो, इसको बहुत कुछ दिखाई देता है लेकिन पर्दा अभी हटा नहीं है। इसको स्वर्ग जाने की तैयारी में रुचि है, महाभोगों में, लेकिन वो भी तो एक पर्दा ही है, ये पूर्ण करना चाहता है, पाप नहीं, लेकिन आखिर ये भी तो संसार का ही भोग है, सुख है। ये धर्म कार्यों में रहना चाहता है, पुण्य कार्य करना चाहता है, दान तप शांति शीलता संतोष सभी गुण विद्यमान है इसमें, लेकिन पर्दा अभी भी है, इसका भी सफेद पर्दा हटा नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं कि ये छह लेशाओं के परे जो उठता है वही परमात्मा की ओर जाता है। ये धवल लेशा से भी, ये धौड़े रंग के पर्दे से भी जो उपरत होता है वही परमात्मा की ओर दृष्टि उठाकर देखने लगता है, वही परमात्मा को लक्ष्य बना के और भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान के ध्यान करता है, भगवान का भजन करता है। तो ये सत्य है, हमारे अंत में देखना चाहिए कि हम कौन सी लेशा में जी रहे हैं, क्या हमारी आंखों के ऊपर ब्लैक लेशा तो नहीं है, काला पर्दा तो नहीं है, या नीला तो नहीं है, या कपोत तो नहीं है, या ताम्र तो नहीं है, या पीत तो नहीं है, या धवल तो नहीं है। नहीं,
भगवान की ओर जाने वाले के तो छह पर्दे हट जाने चाहिए, तभी वो त्रिगुण तीनों गुणों से परे होता है। त्रैगुण्य विषय आवेदानी त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, ये तीनों गुणों में संसार है, स्वर्ग भी संसार है, ये देवता भी और ब्रह्मा जी भी संसार में ही जीते हैं। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, तू मेरा भक्त बन। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रतिजाने प्रियो असी में, तू मेरा भक्त बन। तेरा मन मुझ में हो, अर्जुन कह रहा है कि मन चंचल है। भगवान कह रहे हैं आगे चल करके अर्जुन को, परम गुप्त रहस्य, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बन, मेरे में मन वाला हो, तेरा मन मुझ में लगा रहे, सर्वत्र मैं ही मैं नजर आऊं तुझे, जो तू कुछ करे मेरे लिए करे। यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत, यद तपस्यसी कौन्ते तत् कुरुषु मद अर्पणम्। जो कुछ खाता है, जो कुछ देता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वॉट एवर डू फॉर मी। अर्जुन ने वहां भी पूछा है कि इससे क्या होगा, जो कुछ करूं सब आपके लिए करूं। चलो मान लिया जो कुछ करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए करूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? भगवान ने कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी नैमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये निश्चय पूर्वक तू घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। योग क्षेम वहामी हम, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। उसको क्या देना है जिससे उसका और मेरा शाश्वत रिश्ता जुड़ा रहे, वो मैं देता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। जो वस्तु देता हूं उसकी रक्षा भी, उस मेरे भक्त की रक्षा करता हूं। मनमना भाव अर्जुन, मेरे में मन वाला हो, जैसे गोपियों का मन सदैव श्री कृष्ण में लगा रहता था। दही मिलोते, रोटी पकाते, खेती बाड़ी का काम करते, गऊ का दूध निकालते, झाड़ू बुहारी करते, वस्त्र धोते, जमुना नहाते, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करती थी। ठीक वैसे ही एक भक्त को भगवान का चिंतन करना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, तो फिर मन जब भगवान में ही लग जाएगा तो ये तो स्थिर हो ही जाना है। और जब मन भगवान के अंदर लग गया तो भगवान कहते हैं कि मामी वैश्यत्य मामी वैश्यसि, तू मुझे प्राप्त कर लेगा। मामी वैश्यसि मन मनाभव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रिय जानी प्रति जानी प्रियो असी में, मामे वैश्यसि तू मुझे प्राप्त कर लेगा। सत्यम ते सत्य कहता हूं अर्जुन, तू मुझे प्राप्त कर लेगा। जब तू मेरे में मन वाला हो जाएगा, मेरा भक्त बन जाएगा, मुझे प्रणाम करेगा, मेरा पूजन करेगा, तो मुझे प्राप्त कर लेगा। सत्यम ते मैं तेरे सत्य कहता हूं, प्रतिजानी प्रिय असी में, तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है, मेरा मित्र है, मेरा अंतरंग सखा है, इसलिए ये सब बात मैं तुझसे कहता हूं। प्रतिजानी प्रिय असी में नय मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता अर्जुन।
तू मेरा भक्त बन, तेरे मन में मुझे बसा ले, तो मन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। मन कंट्रोल होगा तो ये इंद्रियां कंट्रोल हो जाए। इंद्रियां तो मन के पीछे चलती हैं, मन लगाम है इन इंद्रियों की। इंद्रियां घोड़े हैं आपके शरीर में, घोड़े इनकी लगाम है मन, सारथी है बुद्धि, जो इस जीवन रूपी रथ में बैठी है बुद्धि, नॉलेज। और जो रथ के अंदर रथी के रूप में धवल वस्त्रों में बैठी है वो आत्मा है, वो रथी है, वो आत्मा है, आपकी आत्मा। और आत्मा के साथ में परमात्मा है, तो आत्मा यदि इंस्ट्रक्शंस दे ये मन को, बुद्धि को, घोड़ों को, इंद्रियों को अपने वश में कर ले, अपने इंस्ट्रक्शन से चलाए, अपने आदेशों से चलाए, तब जाके वश में हो जाते हैं। और वश में हो जाते हैं तो फिर एक ही कमी रहती है कि इनको सबको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। आदेश देती है आत्मा कि तुम भगवान की सेवा करो, जो कुछ करते हो भगवान मेरे भगवान के लिए करो। यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। तो ये मन वश में हो जाएगा तो आपके मन में भी राम होंगे। मन में ही राम, मन में ही श्याम, रोम रोम में राम है, तो भी रोम रोम में वो भगवान का दर्शन है, भगवान का वास है, सर्वत्र वही है। अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि ये तो असंभव प्रतीत होता है, आपने बड़ी सुंदरता से ये ध्यान योग का वर्णन किया, ये अभ्यास कैसे किया जाता है वो सब विस्तार से समझाया, लेकिन ये मन तो अति चंचल है कृष्ण। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे अर्जुन, ये मन तो बड़ा चंचल है। हे भगवान श्री कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है। मोबाइल हो, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। वैसे तो मैं तुम्हें नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बड़ी माँ ने कहा कि अंशु को मोबाइल दे दो, उसका मन पढ़ाई से नहीं हटेगा। थैंक यू बाऊजी, थैंक यू वेरी 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 मच। लेकिन एक बात बेटा, ये सिर्फ एक जरूरत की चीज है, खेल के।